हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो व्यूअर्स नए देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अधिक से अधिक वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है, आज की जो जानकारी है, वो जनजातीय विद्यार्थियों के शिक्षा से संबंधित है। उनके शिक्षण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए और किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अभी हाल ही में 2 दिवसीय जनजातीय सम्मेलन का आयोजन दमोह में किया गया और वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी भी आए और उन्होंने भी काफ़ी कुछ इसके बारे में कहा। लेकिन शिवराज जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने वहाँ पर शिक्षण से संबंधित और शिक्षकों की व्यवस्था, साथ ही साथ उनको कुछ वित्तीय सहायता से संबंधित भी कुछ राशि देने की बात कही है। तो दोस्तों, आखिर उन्होंने क्या क्या कहा है उनके विकास के लिए, साथ ही साथ शिक्षण उनको कैसे मिले और कोचिंग इत्यादि करने में उनको वित्तीय सुविधाएं किस प्रकार से प्रदान की जाएंगी, इन सब बातों का जिक्र उन्होंने इसमें किया है। और दोस्तों, यहां पर गौरतलब है कि यहां पर मीना सिंह जी, जो कि जनजाति विभाग की मंत्री हैं, वो भी इस जनजातीय सभा में उपस्थित थी। तो आइए दोस्तों, अधिक बात ना करते हुए हम सुनते हैं मुख्यमंत्री से उनकी ही शब्दों में उनकी कही गई बातें। कॉलेज में अपने वाले बेटा बेटियों के लिए छात्रावास की, हॉस्टल की व्यवस्था नहीं हो पाती, उनको किराए का कमरा लेके पढ़ाई करनी पड़ती है। हमने तय किया था, पिछली सरकार में बंद हो गया था, मैं आज फिर कह रहा हूं, कैसे सारे बेटा बेटियों को अगर वो किराए का कमरा लेके भी संभागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय या विकासखंड मुख्यालय पर रहते हैं तो संभागीय मुख्यालय पे 2,000 रुपया प्रति माह किराया का भुगतान किया जाएगा। पढ़ाई के लिए किराया मम्मी पापा को नहीं देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार देने का काम करेगी ताकि किसी बच्चे की पढ़ाई बाधित ना हो। हम लोगों ने यह भी फैसला किया कि हमारे अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चे, उनकी कोचिंग के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और मुझे गर्व है कहते हुए, इसी साल जेई मेंस में 122 बच्चे, जेई एडवांस में 34 बच्चे नची और क्लेट में 104 बेटियों ने सफलता प्राप्त की और अलग अलग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कॉलेजों में उन्होंने प्रवेश लिया है। और हमने यह भी फैसला किया कि उनकी पढ़ाई की फीस भी माता पिता को नहीं भरनी पड़ेगी, सरकार भरवाने का काम करेगी ताकि हमारे ये बच्चे लगातार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मेरे बहनों और भाइयों, संबल नाम की योजना हम लोगों ने प्रारंभ की थी, बहन मीना सिंह जी बैठी है हमारी जनजाति कार्य मंत्री, बीच में बंद हो गई थी सवा साल, अब क्यों हो गई थी आप जानते हो, सवा साल का वनवास था, जल्दी खत्म हो गया। लेकिन अब फिर से संबल योजना प्रारंभ कर दी गई है और संबल योजना के जितने प्रावधान थे उनमें जनजाति भाई और बहन शामिल है, चाहे हमारे बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए फीस की व्यवस्था करना हो। मेरी बहनें यहाँ बैठी है, बेटा बेटी के जन्म के पहले 2 बच्चों तक पहले उनको 4,000 रुपया देना ताकि पोषण आहार ठीक से मिल सके और जन्म के बाद 12,000 रुपया और देना, कुल 16,000 रुपया देने का हमने फैसला किया था। अब वो 16,000 रुपया फिर से दिए जाएंगे ताकि बहन आराम भी कर सके और पोषण आहार भी उसको मिल सके। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों का विवाह धूमधाम से होता था, वो फिर से प्रारंभ किया जाएगा, कोरोना काल के कारण जल्दी हम प्रारंभ नहीं कर पाए और एक्सीडेंट जैसी घटनाओं में मृत्यु पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया जो हम देते थे वो फिर से देना प्रारंभ कर दिया संबल योजना के अंतर्गत। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम जानते हैं हम में से हर एक किसान है, कई छोटे छोटे किसान भी है, जनजाति भाई बहन भी खेती करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तय किया बिना किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में डाला जाएगा और गए हुए 78 लाख किसानों के खाते में वो पैसा डाला जा रहा है। लेकिन मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा
कि चौथी बार बन गए हो प्रधानमंत्री, अगर 6,000 दे रहे हो तो मामा 4,000 तू भी डाल दे, पूरे 10,000 हो जाए। हमने फैसला किया और 6,000 के साथ 10,000 और, 6,000 के साथ 4,000 और मिला के 10,000 रुपया देना प्रारंभ किया, ताकि छोटे छोटे किसान को, जनजाति किसान को भी कम से कम साल में एक एकड़ जमीन भी हो, आधा एकड़ पौने एकड़ जमीन भी हो, ये 10,000 रुपया मिल जाए, ताकि जिंदगी की गाड़ी उसकी ठीक से आगे बढ़े, ठीक से आगे चले। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, कई लोगों ने इधर उधर की बातें करने की कोशिश की है, लेकिन MSP पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे इस बार भी पूरी की पूरी धान की बेहतर खरीदी हमने की है। पिछले साल दिक्कत हुई होगी, इस साल किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई। और कोरोना काल में आपको पता है, गेहूं की खरीद के साथ साथ दमोह जिले के तो चना में तिवड़ा मिला था, लेकिन तिवड़ा मिला चना भी उस समय खरीदने का हमने काम किया। और इस साल भी कोई चिंता मत करना, चना की खरीदी भी होगी और गेहूं की खरीदी भी होगी, किसान को किसी भी कीमत पे परेशान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि आपकी सरकार है ये। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम सब श्रद्धापूर्वक सुनने आए हैं, मैं उनका एक बार फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे विधायक मित्रों ने कुछ काम का आग्रह मुझसे किया था, लेकिन फिर किसी अवसर पर हम उस पर चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे बताया कि चौरई पंचायत में जबेरा ब्लॉक में बड़ा देव का मंदिर हमारे जनजाति भाई बहन बना रहे हैं, उस मंदिर को बड़ा देव का मंदिर बनाने को भी आवश्यक सारी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि हमारे बड़े देव का भव्य मंदिर बन सके। और उसके साथ साथ हम सब खैरमाई की, खैरमाई माता की पूजा करते हैं, जबेरा ब्लॉक के कलहरा में खैरमाई का माता का मंदिर बन जाए, ये बात मेरे सामने आई है। प्रिय बहनों और भाइयों, खैरमाई की सदैव हम पर कृपा बरसती है, इसलिए उनके मंदिर का भी निर्माण करवाया जाएगा, ताकि हम खैरमाई की धूमधाम से पूजा कर सकें। एक बार आप सबकी ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय का फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, रानी दुर्गावती की जय, सेवा जय, सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।